हेलो लेडीज़, वेलकम टू माय चैनल रेउज व्लॉग। आई एम रेउ। अगर आप एक महिला है तो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, कहीं आपको PCOS तो नहीं है। आई एम PCOS वॉरियर, आई एम बनी 10। आर यू? सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन एंड सपोर्ट PCOS अवेयरनेस, फाइट लाइक अ गर्ल। तो आज का टॉपिक है TTC जर्नी को लेकर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, लास्ट मंथ से मैंने अपना TTC जर्नी का लेट्रोजोल 2.5 mg से स्टार्ट किया है। फर्स्ट राउंड था। उस मंथ की सारी जो डिटेल्स पे जो वीडियोस मैंने अपलोड की है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके ही आप करके भी आप देख सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं UPT टेस्ट नहीं करने वाली हूँ जब तक पीरियड लेट नहीं हो जाते, और पीरियड लेट होने के 7 डे बाद मैं करने वाली थी। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पीरियड आ गए लास्ट मंथ के 30 तारीख को मेरे पीरियड आ गए। हालांकि मेरे पीरियड 25 तारीख को ही आने चाहिए थे, बट कुछ दिन बाद लेट आए, नहीं आ रहे थे। मुझे होप्स आ गई थी शायद कंसीव कर लिया हो, बट पीरियड आ गए, कंसीव नहीं हुआ उस मंथ, लास्ट मंथ, और पीरियड आ गए। स्पॉटिंग थी, ज़्यादा फ्लो नहीं था। साइकिल डे फर्स्ट पे स्पॉटिंग होने की वजह से मैंने पहले तो UPT टेस्ट नहीं किया, लेकिन स्पॉटिंग होने के वजह से मैंने UPT टेस्ट किया। उस पर हल्की लाइन आई, आई डोंट नो वाई, कैसे आई। और होप्स बढ़ गए कि शायद इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगी, बिकॉज आप ओवुलेशन के 12 से 14 डेज बाद आपकी बेबी अगर इम्प्लांट हो जाता है, कंसीव कर लिया है आपने, तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है किन महिलाओं में। तो मुझे लगा इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगी। सेकेंड डे मैंने फिर से UPT टेस्ट किया, हल्की लाइन दिखाई दी, 3 मिनट में ही दिखाई दी। आई डोंट नो वाई फ्लो बढ़ गया था, फिर भी लाइन आ रही थी। तो साइकिल डे सेकेंड था। हमेशा की तरह हम अपने डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर ने कहा कि अभी आपका पीरियड आ गया है, और अभी समर चल रहा है, समर सीज़न है, तो इनफर्टिलिटी की जो ट्रीटमेंट होती है वो समर में नहीं होती है, क्योंकि समर में जो ट्रीटमेंट लेते हैं वो हमारे बॉडी पे इतना वर्क नहीं करती, अपना 100% नहीं देती है ट्रीटमेंट। तो आपको 2 महीने के लिए ट्रीटमेंट को स्किप करते हैं, 2 महीने के बाद ट्रीटमेंट को फिर से शुरू करते हैं। तब तक के लिए आप नेचुरली ट्राई कीजिए, और कुछ वाइटामिन्स, मल्टी वाइटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिशन की टैबलेट्स दी है मुझे डॉक्टर ने इस मंथ के लिए, इस साइकिल में, और कहा कि हम नेक्स्ट 2 मंथ के बाद ट्राई करेंगे फिर से, और तब तक आप नेचुरली ट्राई करो। तो मैं अभी अगले 2 महीने के लिए नेचुरली ट्राई करने वाली हूँ, अपना 100% देने वाली हूँ। जब आप पहला राउंड मिस कर जाते हो तो आपके मन में कई सारे सवाल आने लगते हैं। मैंने गोलियाँ टाइम पे ली, मैंने सब कुछ अपना 100% दिया, मैंने सभी ठीक तरह से किया, लेकिन हो क्यों नहीं पाया। तो अगर कुछ कमी रह जाती है आपकी तरफ से, तो अब मेरे पास, मैंने होप्स नहीं हारे, मैंने सोचा कि मेरे पास नेक्स्ट साइकिल्स है जिनमें मैं ट्राई करूँगी, अपना 100% दूँगी, और मैं उनमें कंसीव ही कर लूँगी। तो आपको भी यही सोच रखनी है, आपको बिल्कुल भी टेंस नहीं होना है, प्रेशर नहीं लेना है, होप्स को नहीं लूज़ करना है। आपको यही सोचना है कि नेक्स्ट साइकिल्स मेरे पास है, मैं उसमें अपना 100% देने वाली हूँ। अभी डॉक्टर ने कहा है 2 मंथ के लिए नेचुरली ट्राई कीजिए, मैं इन 2 मंथ्स में अपना PCOS का डाइट स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाली हूँ। अपने सोने का टाइम, खाने का टाइम, पीने का टाइम, कब क्या करना है, कुछ भी स्किप नहीं करते हुए मैं अपना 100% देने वाली हूँ। और मैंने सोचा है कि मैं, मुझे मालूम है PCOS में नेचुरली ट्राई करना बहुत हार्ड है, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं इन 2 मंथ्स में अपना 100% दे के एटलीस्ट ट्राई तो करूँगी। अगर ट्रीटमेंट से नहीं हो पाया फर्स्ट मंथ, तो ये जो सेकेंड मंथ है मुझे ऐसे वेस्ट नहीं जाने देने हैं ना। ट्रीटमेंट तो नहीं है आपके सपोर्ट में अभी, तो आपको नेचुरली करना है, तो मैं नेचुरली ट्राई करने वाली हूँ। मैं उन कपल्स को बताना चाहूँगी, उन फीमेल्स को बताना चाहूँगी जो PCOS से लड़ रहे हैं, जो इनफर्टिलिटी को लेकर लड़ रहे हैं, जो TTC जर्नी में है, जो कपल्स, जो फीमेल्स कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं,
वो ही लोग बता सकते हैं कि हमें किस मेंटली सिचुएशन से जाना पड़ता है इस सफ़र के दौरान, कितना टफ रहता है ये जर्नी, कितनी प्रेशराइज करती है आपको, आप कहीं पे भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, हर टाइम बस यही क्वेश्चंस, कई तरह के सवाल आपके मन में चलते रहते हैं, आगे क्या होगा, इस वक्त क्या हुआ, क्यों नहीं हो पाया, ये आपको सब नहीं सोचना है। आपको इसके अलावा ये सोचना है कि मैं क्या करूँ, ऐसा मैं ऐसा क्या करूँ कि ये हो जाए, मैं अपना 100% से ज़्यादा कैसे दूँ कि ये हो जाए, मुझे क्या क्या करना है, आपको इसके ऊपर रिसर्च करना है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपके PCOS का दुश्मन है स्ट्रेस, आपके इनफर्टिलिटी का दुश्मन है स्ट्रेस, और आपको उसी से ही दूर रहना है। मैं आप लोगों की फीलिंग को समझ सकती हूँ जो कपल्स TTC जर्नी में हैं, बिकॉज जो मैं फील कर रही हूँ अभी, तो आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव होप्स रखने हैं, आपको नेगेटिविटी को निकाल देना है, जो इस समय आपके ऊपर हावी हो रही है आपको उसे निकाल देना है। तो गाइस, अगर आपको PCOS है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, PCOS के चलते आपको कंसीव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, PCOS अवेयरनेस को सपोर्ट कीजिए, और बने रहिए मेरे चैनल पे मेरे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।